हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्वाद एक्सपर्ट में और मैं हूँ अदिति। तो आज स्वाद एक्सपर्ट में बनने जा रही है हरी धनिया की चटनी। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं, काट लिए हैं, और एक बाउल मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पर 7-8 हरी मिर्ची ली हैं अच्छे तीखेपन के लिए, 1 प्याज, और यहाँ पर मैंने 5-6 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिनको क्रश कर लिया है, और देखिए ये है अदरक, इसे भी मैंने गोल गोल स्लाइस में काट लिया है। तो चलिए बनाते हैं इस चटनी को। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक मिक्सी का जार, ये मेरा बड़ा जार है क्योंकि मैं चटनी ज़्यादा बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर के साथ अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। टमाटर में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसी के पानी में सब कुछ अच्छे से पिस जाएगा। अब डाल दी हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों के साथ अब हम डाल देंगे इसमें लहसुन और अदरक। जो लहसुन होता है ना, उसे चटनी का स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारा धनिया। तो धनिया मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और इसे मैं थोड़ा सा दबा दूँगी क्योंकि ये जार फुल हो गया है मेरा। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने थोड़े से मसाले, मतलब कुछ मसाले ही डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाला जीरा। जो जीरा होता है ना, वो एक बहुत बढ़िया टेस्ट देता है चटनी में। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे नमक। मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच के लगभग नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये देखिए, ये है हींग। हींग डालने से ना चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और ये डाइजेशन को भी ठीक रखती है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है। तो अब हम इसे लगा देंगे ढक्कन और इसे पीस लेंगे। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर चटनी को पीस लिया है। बढ़िया सी चटनी बनकर के तैयार हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं हमेशा चटनी को इतना ही पीसती हूँ, बिल्कुल महीन नहीं करती हूँ। बिल्कुल इस तरीके की, जैसे हम सिलबट्टे में पीसते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की चटनी बनकर के तैयार हुई है। और जब खाने में आपको चटनी मिल जाए ना, तो खाने का मज़ा तो आपको पता ही है, दुगना ही हो जाता है। तो बढ़िया सी चटनी बन करके तैयार हो गई है। और अभी सर्दियां हैं तो धनिया भी बहुत अच्छा आ रहा है, देसी धनिया आ रहा है, दाने वाला, जिसे बीज वाला बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो देखिए कितनी बढ़िया चटनी फटाफट तैयार हुई है, और खाने के स्वाद को ये चटनी बढ़ा देती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you for watching.